आज रिलीज हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? आप भी आज पीवीआर में रिजवान देखने के लिए आई हो, क्या कहना चाहोगी? और एज आई नो रिजवान इज अ स्टोरी ऑफ मिस्टर रिजवान अड़तिया. आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट व्हाट, बट एज आई नो इट्स वेरी स्ट्रगल ऑफ हिज लाइफ. सो आई विश हिम वेरी ऑल द बेस्ट. तो कैसा लगता है आपको, चूंकि आप उनके बहुत खास है, बहुत करीब हैं, तो क्या कहना चाहेंगे रिजवान जी के लिए? रिजवान अड़तिया उनकी लाइफ स्टोरी पे ये मूवी है और उनकी जो पूरी स्ट्रगल करके जो आज जो मकाम पे पहुंचे हैं उसके ऊपर स्टोरी है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट एंड विश हिम वेरी बेस्ट. जैसे उनकी लाइफ फ्लेरअप हुई है, दुआ करती हूँ कि ये मूवी भी उतनी ही सक्सेसफुल हो. ऑल द बेस्ट. इतनी खूबसूरत पिक्चर है और रियल लाइफ से, रियल लाइफ में अगर देखें तो इतने हम्बल ये इंसान हैं और हर एक का मन ये जीत लेते हैं. और इन्होंने कई ऐसी चुनौती देखी. मोर पार्ट टू हिम, मोर सक्सेस टू हिम. ही डिजर्व्स मच मोर एंड दीज आर द काइंड ऑफ इंडियंस हु कैन इंस्पायर जेन नेक्स्ट. जुड़ रहे हैं रियल हमारे साथ, रियल हीरो जुड़ रहे हैं और बहुत ही सराहनीय आपने प्रतिभा को निभाया है. बिल्कुल जैसे रिजवान जी हैं, ऐसे कोई डिफरेंस लगा नहीं. सो मोर पावर टू यू, मोर सक्सेस टू यू एंड मे यू रीच द वेरी हाइट्स दैट यू डिजर्व टू. फैंटास्टिक मूवी, गो टू द सिनेमास, वॉच इट नाउ. वी विल ट्राई मेक इट टैक्स फ्री. प्लीज डू वॉच. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. आपको कैसी लगी? एक बढ़िया किरदार जो आपके बगल में खड़े हुए हैं, इन्होंने धूम मचा दिया है. आपका इंट्रो, इंट्रो प्लीज. हाय, दिस इज माधवी अडवाणी हियर. आई एम अ लग्जरी कंसल्टेंट एंड इट्स माय ऑनर टू बी हियर टुडे एंड पर्सनली मीट रिजवान एज़ वेल एज़ द लवली एक्टर हियर. एंड इट सीम्स टू बी अ ब्यूटीफुल टीम. द मूवी इज अमेजिंग. इट्स वेरी नाइस. एवरीबॉडी शुड गो एंड वॉच इट. इट्स वेरी इंस्पायरिंग. And if you have fire in the belly, I'm sure everybody can achieve what they want to achieve. You have to be consistent and nothing is impossible. There are things which may come sometimes and you may think that it's not possible, but everything is possible. I am possible. And it's a very motivational, inspiring movie. Everybody should definitely watch it. I really enjoyed it. Thank you. Thank you. हमारी थोड़ी सी परेशानी हो पैसे की, वो थोड़ी देर के लिए इसलिए हम फिल्म देखने जाते हैं या टीवी देखने. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. लेकिन स्पेशली ये फिल्म के लिए आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, साथ में आपको प्रेरणा मिलेगा, एंकरेजमेंट. इसके साथ हुआ है क्या होता है कि हम दिन में पैसे भी करते हैं, 500-1000 रुपये हम तो घर में भी कर रहे हैं, मोटिवेट अदर्स यू. थैंक यू सो मच. पब्लिक को बताएं और साथ साथ कैसी लगी रिजवान, आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दूं पहले? या अच्छा. मैं डॉक्टर अमजद खान पठान, मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और रिजवान अड़तिया जो है सो वो लाइक माय ब्रदर. सो रिजवान जी का ये जो मूवी जो बना है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, स्पेशली फॉर द यूथ. जो लोग आज बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल मूवी है. और ये मूवी देखने के बाद में एक बोलते हैं ना, एक रॉन्ग रॉन्ग ऐसा एकदम काटे आ जाते हैं मूवी देखने के बाद में, कि एक आदमी
इतना स्ट्रगल करने के बाद में भी इतना होने के बाद में भी आज इतनी बड़ी पोजीशन पे है, इसका इज़ द लिमिट फॉर हिम, और उन्होंने वो करके दिखाया है। सो ये आने वाले सभी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं और यूथ जो है उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है। सो मैं सारी मूवी की पूरी टीम को भी बधाई दूँगा कि उन्होंने भी बखूबी से वो किरदार निभाया है। जो रिजवान भाई जिस तरह से आज है हमारे साथ में, हमेशा ही उनका जो नेचर रहा है रास्ता बोलता हुआ नेचर, तो स्टिल वो इतनी बड़ी पोजीशन में होते हुए भी आज वो अपने दोस्तों को अपने भाइयों को कभी भूलते नहीं हैं। सो उनके लिए मैं बहुत दुआएं करूँगा और सभी उनकी टीम को और उनके सभी मेम्बर्स को मैं बहुत बहुत पैसा दूँगा, और ये मूवी के लिए भी हम लोग बहुत दुआ करेंगे कि ये मूवी भी सबके लिए इंस्पिरेशनल बने और काफ़ी लोग इसका बेनिफिट उठाएँ। थैंक यू सर। एक सवाल और आपसे, चूंकि मूवी की जो कमाई होगी उसका सारा का सारा हिस्सा चैरिटी में जाएगा, तो क्या आप कल फैमिली के साथ ये फिल्म देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर ये रहा चैरिटी वाला सवाल, तो हम लोग तो रिजवान साहब के साथ जुड़े हुए ही है, हमको पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो डेफिनेटली हम और हमारे दोस्तों को भी बताएंगे कि आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए और इस मूवी को देखिए, ये बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है और ये इसकी जो भी कमाई जा रही है ये उन लोगों के लिए जाएंगी जिनको ज़रूरत है, स्पेशली कैंसर पेशेंट है और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो उनको ज़रूरतमंद है, हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये सारे चैरिटी जाएंगे। तो मैं रिजवान राजाजिया जी को फिर से बहुत बहुत बधाई दूँगा और उनके टीम को भी बधाई दूँगा। सूत्रों से जानकारी मिली है, सुनने में आ रहा है कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप फोटो डाल करके आप सभी फिल्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे कि फिल्म अच्छी है, कृपया आप जाके देखें। तो किस तरह का ये प्लान है, आप लोग इसको कैसे फॉलो करने वाले हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने वो चालू कर रखा है उनकी मूवी को किस तरह से हम प्रमो कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज इतनी आगे जा चुकी है कि थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत कुछ आता है। तो अच्छे लोगों को अच्छे जगह पे पहुंचाना ये हम सबका कर्तव्य है, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसी कंधे को कंधा लगा के अगर हम लोग चलते हैं ना, तो डेफिनेटली भगवान भी हम लोगों को ब्लेसिंग दे देता है और उसकी दुआएं और अपना साथ भी बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली हम लोग हमेशा रिजवान जी के साथ में हैं, और रहा सवाल सोशल मीडिया ही नहीं, जहाँ पे भी हम लोगों को ज़रूरत लगेगी, हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पे भी इतना बोलना चाहिए, बिकॉज ये मूवी ही नहीं, एक रिजवान राजाजिया जी खुद में इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे इंसान हैं कि वो शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकते। तो पूरी टीम को और उनके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबसे भी विनती करूँगा कि आप लोग सब आइए और ये मूवी देखिए, बहुत इंस्पिरेशनल मूवी, स्पेशली युवाओं को लेके आइए, जो लोग अपना खुद को खुद सेल्फ में रहना चाहते हैं, जो एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंस्पिरेशनल मूवी है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पार्टनर भी है ब्राइट मीडिया रिजवान का, और रिजवान पूरे देश में कल से लग रही है, कैसी लगी आपको फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, और रिजवान भाई साउथ अफ्रीका से स्पेशल हर महीना मुंबई आते हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और ब्राइट आउटडोर मीडिया डॉक्टर योगेंद्र सहानी 100 में से 95 मूवी का पार्टनर रहता है, और बड़े बड़े सुपरस्टार से लेकर हर फिल्म प्ले सीरियल एल्बम इवेंट और वेब सीरीज का हिस्सा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और अच्छी अच्छी फिल्म का। रिजवान जी के लिए और फिल्म के लिए क्या शुभकामनाएं रहेंगी योगेश लखानी जी की तरफ से? कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर, और सबकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गए, और साउथ अफ्रीका से यहाँ रेगुलरली आते हैं और इतने जो मेहनत है और सुपर डुपर सक्सेस हो जा रहे हैं। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे, रिजवान मूवी कैसी लगी आपको और क्या ब्लेस है रिजवान को आपकी तरफ से? रिजवान मूवी जो है वो एक बहुत अच्छा मूवी है, जिसमें रिजवान भाई ने सोसाइटी के लिए सेल्फलेस कैसा काम किया जा सकता है, और दूसरी बात है कि अपने कंट्री में तो हर एक जन पैसा कमाते हैं, मगर बाहर जाके अपने देश के लिए किस प्रकार से सेवा की जा सकती है, ये रिजवान भाई का एक मिसाल है। यहाँ पे आए हुए लोग जो मूवी देख रहे हैं उनको इतनी पसंद आ रही है, वो कसम खा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज जरूर डालूंगा, क्योंकि फिल्म की जो कमाई है उसका पूरा का पूरा हिस्सा चैरिटी के लिए जाएगा, ऐसा भी अपने बातों में रिजवान जी ने कुछ स्वीकार कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, एक सोशल मीडिया पे संदेश डालना चाहेंगे रिजवान फिल्म देखने के लिए? यस यस 100%, मैं यही चाहता हूँ कि हर एक भारतीय ये मूवी देख के ये सोचे कि बाहर का आदमी यदि अपने देश के लिए, भारतीय रहने के बाद बाहर जाके भी अपने देश के प्रति प्यार जता के अपने देश के लिए इतना काम करना चाहता है, तो हम भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ काम करें और सेल्फलेसली सर्विस करें।
दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? रिजवान फिल्म आपको कितनी अच्छी लगी और वो फिल्म क्यों देखें? फिल्म इसीलिए देखें कि बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं, बिजनेस में हर एक दिन पैसा कमाते हैं, अगर तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है और सोसाइटी के लिए हम कुछ देना चाहते हैं, ये हम उनसे फाउंडेशन के बारे में ज़्यादा पूछ रहा हूँ, मूवी के बारे में नहीं। फाउंडेशन जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहेंगे आज रिजवान फिल्म आपको कैसी लगी और फाउंडेशन के कितने करीब आप हो, फाउंडेशन को कितना नज़दीक से आप जानते हो? हिंदी फिल्म रिजवान की पूरी कमाई चैरिटी में जाएगा, फाउंडेशन में जाएगा, गरीबों की मदद के लिए जाएगा, तो आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? चैरिटी तो करनी ही चाहिए, जब हम लोग कमाते हैं तो उनका तो हिस्सा है ही कि सोसाइटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। जैसे रिजवान भाई अभी इस हिसाब से कर रहे हैं तो हमको भी उनसे सीख के कि हमें भी कोई चैरिटी करके अपने देश को बिल्ड करना चाहिए। और सर थोड़ा सा फाउंडेशन के लिए आपसे जानकारी चाहूँगा, रिजवान अढ़तिया फाउंडेशन आपको कितना प्रेरित करता है, क्या कहना चाहेंगे? रिजवान फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल हमारा एक फैड है कि हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं और पैसा जमा करके लोगों को एक दिखावा दिखाते हैं। जी, रिजवान फाउंडेशन के बारे में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज तक उन्होंने देश में जो ये फाउंडेशन का काम किया है उसमें एक भी रुपया उन्होंने किसी से भी लिया नहीं। जो उन्होंने आज के दिन में कमाया है अपने बाहर के बिजनेस कंपनी से, वो पैसा वो खुद अपने जेब से दे रहे हैं और ये जो काम करने की जो इच्छा है और ये जो जिगर लगती है, पैसा देने में भी जिगर लगती है, वो जिगर हमारे रिजवान भाई का है। तो हम फाउंडेशन को ऐसे ही आगे बढ़ने की चालना देते हैं और दूसरी बात हम भी उसमें कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं और हमारी तरफ से जो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ये फाउंडेशन के लिए हम करना चाहेंगे, रिजवान भाई हमको बेशक हाथ पकड़ के बोल सकते हैं कि ये भाई आपको ये काम करना है और आपको अपने देश के लिए एक कदम उठाना है। एक कैमरा ज़रा बंद करो। सर क्या कहना चाहेंगे सर के लिए, इतनी रात को आपकी फिल्म देखने के लिए मुंबई के इस थिएटर में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उनका मैडम का और फैमिली पूरी फैमिली का जो टाइम निकाल के आज हमारे प्रीमियम में आए हैं, हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग है और बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि कल हमारी मूवी पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है और इमोशनल भी होता जा रहा हूँ जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आई है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन वो टाइम पे बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत पेन होता था, लेकिन आज वो उतार चढ़ाव हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाएगा क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों को प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा, जोश और जज्बा देगा कि नहीं, लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए हम हिम्मत से रखें, सब्र करें और खुद के ऊपर भरोसा रखें तो हर उतार चढ़ाव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं खुदा का ईश्वर का शुक्रिया अदा भी करूँगा कि जो भी मेरी लाइफ में इतने सालों में आई है तकालीफ, आज वही तकालीफ मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर, थैंक यू। मूवी इज रियली वेरी इंस्पिरेशनल, रिजवान मूवी ट्रूली ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड हैट्स ऑफ यू टू मिस्टर रिजवान अढ़तिया एंड इट्स आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ इंडियंस टू सी दिस मूवी एज इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरी इंडियन। गॉड ब्लेस टू मिस्टर रिजवान अढ़तिया एंड हिज फाउंडेशन, कैरी ऑन, कीप इट अप, थैंक यू। रिजवान अढ़तिया जो स्टोरी है वो एक मिस्टर रिजवान अढ़तिया के ऊपर है और उन्होंने लाइफ में जो सफ़र किया है, जो उसमें से वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो बाहर आए हैं और जो स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल में जो कामयाबी उनको मिली है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, वो एक
ख्वाब की तरह, एक सपनों की तरह जो उन्होंने किया है वो बहुत ही काबिल दाद है। दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड वॉट वी हैव सीन दैट, सो इट्स अ वेरी इमेजिंग, इट्स इमेजिंग वॉट दे ही हैज स्ट्रगल एंड आउटकम, इट्स रियली सल्यूट टू मिस्टर रिजवान अलिया। इट्स आई एम गिविंग आई फुल्ली 4 स्टार। Thank you, sir. It's really very inspiring, and everybody, I mean, all of us go through highs and lows in our life, but you have to be very positive and focused, is what we saw in the movie. And I mean, if people will make such kind of movies, I guess the society and a lot of people will really get inspired. And this, especially, I would really thank Rizwan bhai for coming forward and making a movie out of his story and his struggle. This movie is really a great inspiration for people and all the young people who really know a lot of hardships in life. And I think one thing I will definitely take back home is whatever happens to you, whatever hardships you face, you should never give up. This is the message I got from the film. This is a very nice movie. Well done. Thank you. Movie to bahut achhi hai. Matlab ye piche kis type kiye gaye hain, agar ek aadmi struggle karta hai out of India jaake, और इतना स्ट्रगल करता है, 5 साल में कुछ तरक्की करता है, फिर वहाँ पर राइड हो जाता है, बहुत सारे मतलब दंगे हो जाते हैं, फिर आदमी डाउन आ जाता है, 5 साल की मेहनत जो होती है पूरी उसके खिलाफ हो जाती है, फिर वो कैसा सर्वाइव करता है, फिर उनके दोस्त लोग जो होते हैं उनको कैसे मदद करते हैं। मैं बॉम्बे से जो आदमी बाहर जाते हैं, चाहे कैंगो है, अफ्रीका है, लंदन है, अमेरिका है, जो लोग यहाँ पर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको कितनी मेहनत लगती है और कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, बाकी कोई राइड हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसका क्या हाल होता है, उस टाइप की स्टोरी है। और इस बार भाई की खुद की ओरिजिनल थ्रू स्टोरी है और बहुत अच्छी लगी पिक्चर। मैंने देखना चाहिए एक बार, मतलब उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद उन्होंने फाउंडेशन बनाया उसका, चैरिटी का फाउंडेशन, ताकि मतलब जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो गरीबों को जाए। तो ये उनकी अच्छी थॉट है कि चलो मैंने जो पैसा कमा रहा हूँ उसमें उनका हिस्सा, जो जो कंट्री में कमा रहा हूँ कमा रहा हूँ तो वहाँ के लोगों को मेरे पैसे से फ़ायदा होगा, उनका थॉट कैसा है। Rizwan was what this movie was, but because my friend Madhuri invited me, I came. But I must say, it was very engaging, well enacted. Vikram, who has done the protagonist role of Rizwan, has done an amazing job, and I am very, very impressed with this. Very touched. Hard work, honesty always pays. Good job, good work. Keep it up. Thank you. वही कहा कि ये एडल्ट के लिए फिल्म नहीं है, ये बच्चों के लिए फिल्म है। बच्चों को अगर आप दिखाते हैं तो उनका व्यक्तित्व बनेगा, उनके अंदर जो है जो रिजवान अरतिया का जो इज्म है वो उनके अंदर है। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 ही क्यों देना चाहेंगे, मेरे लिए ये प्रश्न है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस तरीके की फिल्में स्कूलों में ले जाकर दिखाई जानी चाहिए, कॉलेज में दिखाई जानी चाहिए, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये इंटरटेनिंग केवल नहीं है। सरकार से टैक्स फ्री के लिए क्या कहना चाहेंगे, फिल्म विभिन्न राज्यों में टैक्स फ्री हो ताकि ज़्यादा उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने जो आपको बताया कि टैक्स फ्री से बहुत आगे की बात होती है, आप स्कूलों में ले जाएं, आपके लिए ये फिल्म जो है बिजनेस नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपने जो लगाया है उतना ही यदि आप पहुँचाते हैं तो ज़्यादा बड़ी बात है। थैंक यू। The movie was really nice, very inspirational for this generation and even the future generation. Very, very inspiring, such real story which is needed, because cinema is all full of drama and reality somewhere missing. So I really think this was very real and very, very motivating. And I really enjoyed it. I would give a 5-star for sure. So I'm Rinku, I'm a founder of Fitness to Flash, basically a fitness website in Amari, and we have a community on Facebook which has more than 62,000 women who join in and we discuss about workouts and lifestyle tips. Thank you. 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे रिजवान? 5% Thank you. को खास कर ये देखना चाहिए जहाँ वैल्यूज है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेचर कैसा होना चाहिए, दिखाया गया है ये सब पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। आदमी का एक नेचर का इम्पैक्ट होता है, आदमी का एक स्वभाव होता है, आदमी का एक नॉलेज होता है, और ये सब आज की तारीख में बहुत इम्पैक्ट करती है। और यही सब भावना और वैल्यूज की वजह से मूवी को एक अलग लीव में लेके जाती है। तो ये सब आप
कि यूथ को समझना चाहिए और ये युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। और क्या कहना चाहेंगे, फिल्म की सारी कमाई चैरिटी में जाएगी और जन सेवा में जाएगी? सबसे पहले तो मेरी सारी शुभकामनाएँ रिजवान साहब को हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई और एक रियल और ट्रू स्टोरी है ये। और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इससे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ें और इसको देखें, इसलिए देखें कि ताकि उनको जीवन में सीखने को मिलेगा। और ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है और एक रियल स्टोरी कैसी होनी चाहिए उस हिसाब से है। और इसका जो भी हो, कल ये रिलीज हो रही है, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सब लोग आके देखें और हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें और जो भी पैसे हों वो चैरिटी के लिए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको ढेर सारे पैसे आएँ और सारी चीज़ें हों और इसी तरह से ये आगे बढ़ें और ऐसी और भी अच्छी फिल्म और अच्छी स्क्रिप्ट लेके बनाएं। थैंक यू। हम इस फिल्म को 5 to 5 स्टार देंगे बिकॉज ये फिल्म उस लेवल की है कि 5 स्टार देना चाहिए। ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल आदमी की, एक रियल हीरो की, और हम चाहते हैं कि पूरी जनता देश की देखे इस फिल्म को और रियल में समझे कि क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले मैं बधाई दूंगा रिजवान भाई को कि इतनी अच्छी मूवी इन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि ये इसका टैक्स फ्री हो और ज़रूर हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर इस मूवी को एक बार हमारे युवाओं को, जो देश के हमारे भविष्य हैं, उनको ये मूवी दिखाना चाहिए। हमको लग रहा है क्योंकि ये यही मूवी देखकर जो लोग क्राइम करते हैं, व्यापार नहीं करते, काम धंधे नहीं करते, कहीं ना कहीं पे इनको एक हौसला मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। और सच में कहूँगा तो रिजवान जी ने ये मूवी बना के और अपनी लाइफ को सामने ला कर आज बहुत सारे मेरे जैसे युवाओं को एक आगे बढ़ने का एक हौसला दिया है। इसके लिए मैं रिजवान जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मूवी भी सक्सेस हो और आने वाले समय में रिजवान जी अच्छा काम करें जिससे उनको दुआएं और देश को मिलते रहे। ऐसा तो ये पास 5 स्टार है, 50 भी मिलते या 100 भी मिलते तो मैं पूरे 100 रहता, लेकिन 5 में से 5 पूरे स्टार मैं रिजवान जी की स्कूल। मुझे, मैं सबको नमस्ते, जितने भी मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं हूँ कॉमेडियन जय छनियारा और आज रिजवान सर की जो मैंने ये मूवी देखी है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ आए, लेकिन दोस्तों अगर खुद के अंदर आत्मविश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ने से रोक नहीं सकती। ये बात आज रिजवान सर ने और रिजवान सर की इस मूवी ने साबित कर दी। और मैं 4 लाइनों में यही कहना चाहता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, बस एक बात याद रखिए, अगर खुद के अंदर आत्मविश्वास है, मेहनत के साथ साथ अगर दृढ़ निश्चय आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो यही सफलता के दरवाजे की सबसे पहली चाबी है। और मैं रिजवान सर से एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ होते हैं, कल वहाँ, वो इतनी ट्रैवलिंग करते हैं, इतनी एनर्जी वो कहाँ से लाते हैं, बस ये बात अगर हमें बता दे तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू रिजवान सर। अब 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे मूवी? ये 5 स्टार 7 स्टार जितने भी स्टार दें इस मूवी को, बहुत बहुत कम है मैं कहूँगा। और ये मूवी ब्लॉकबस्टर है, ये मूवी सुपर है। ये फिल्म अगर बच्चों को दिखाया जाए स्कूल में तो कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। बच्चे जो छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में आजकल सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ज़िंदगी से हार जाते हैं, तो ये फिल्म अगर उन्हें दिखाई जाए तो ज़िंदगी जीने का एक नया जज्बा, नया हौसला और नया मोटिवेशन उन्हें मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और बात करें फिल्म या मैं आपसे शुरू करता हूँ, और बात करें फिल्म रिजवान, आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे? आई स्टार्ट विद माय सेल्फ फर्स्ट, ये एडिट में बात कर ली। तो आई एम डॉक्टर अश्विन नायक फ्रॉम वेद वर्ल्ड, सो आई हैव टू
two companies. One is Ved World, which is a spiritual science company, and second is Celluloid, which is a content production house. So abhi maine movie Rizwan dekhi bade screen pe artist ke saath, director ke saath aur pure casting crew ke saath, and I feel it's a fantastic movie. And matlab kafi young generation se leke जो आज का जो दौर चल रहा है, स्टार्टअप से लेके जो सेल्फ मेड बिजनेसमैन का जो लुक चल रहा है, उसमें लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा इससे. एंड जैसे मैं रिजवान जी को पर्सनली भी जानता हूँ, तो वो जितना करते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, सो आई फील दैट इट इज़ अ राइट मूवी एंड इट शुड गो टू मैक्सिमम पीपल पॉसिबल. भाजपा से कितना स्टार देना चाहेंगे आप रिजवान को? 6.5. सर, आपका परिचय और क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म आपको? नमस्कार, मेरा नाम है जी रमेश कुमार. आई एम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ SSLR कंसल्टेंसी LLP. रिसेंटली आई वाज कॉन्फर्ड विद द कर्मवीर चक्र अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, आज मैं यहाँ पे आया हूँ. आई हैव सीन द एंटायर मूवी, वेरी इंस्पायरिंग. द मैसेज विच आई एम टेकिंग हियर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल. थॉट बिकम्स थिंग्स. अगर आपने सोचा है, दैट कैन हैपन. इन अपना पेशेंस और हौसला बुलंद रखें. रिजवान जी इज अ लाइव एग्जाम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड आई थिंक दिस शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी यूथ, बिकॉज दैट इज द न्यू जनरेशन विच इज कमिंग इन. मुझे लगता है ये मैसेज है एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी यूनिवर्सिटी, हर सोसाइटी में इसका अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को इसकी पता चाहिए कि दे शुड गेट इंस्पायर्ड विद दिस एंड मेक अ डिफरेंस. आई विश एवरी सक्सेस टू रिजवान आदित्य फाउंडेशन एंड दिस एंटायर प्रोजेक्ट. थैंक यू सो वेरी मच. भाजपा से कितना स्टार देना चाहेंगे सर? इन्होंने 6.5 दिया, मैं 10 दूंगा. थैंक यू. थैंक यू. एक माध्यम होती है जो लोगों तक अपना सही संदेश पहुँचाए. रिजवान साहब के ऊपर जो पिक्चर बनी है, ये वास्तव में आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. एक सिद्धांत होना चाहिए जीवन में, सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, मिलनसारता होना चाहिए, ये सब इस पिक्चर में हैं. और इनको बहुत पसंद करेंगे, सभी ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है. और रिजवान सर ने जो आखिरी में बोला है, बहुत अच्छा संदेश दिया है. वो इस पिक्चर के माध्यम से लोग जागरूक होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और समाज में ऐसी ही पिक्चरों की अभी आवश्यकता है. इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जो आज की नई नई पिक्चरों में दिखा दिया जाता है, उससे हटके हैं. और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ सारे हीरोज़ को, हीरोइनों को, और रिजवान सर को, कि आगे भी इसका पार्ट भी जल्दी बनाएँ, और ताकि हम फिर देखें और समाज में अच्छा. ये दिखाया गया है कि इंसान को जब गंभीर परिस्थिति होती है, उसको घबराना नहीं चाहिए. उनको ना अपना घर पावर स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और संयम से और कार्य करेंगे तो आगे चल के उनको काफ़ी लाभ मिलेगा. बहुत अच्छी पिक्चर है, सबकी किरदार बहुत अच्छी है, और मैं शुभकामना देती हूँ कि बहुत अच्छा संदेश आज की नई जनरेशन का दिया है. और लाइफ में इसमें एक ही आपको शिक्षा मिलती है, वो है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो. कहीं भी कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन व्याधि है, शुक्र है व्याधि है, ये इसका बैंक जो है वो डायलॉग है. और रिजवान आदित्य जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में छोटी सी दुकान से शौक से शुरुआत करके और आज यहाँ तक वो पहुँचे. एंड ही इज़ वेरी गुड पर्सन. मैम, आपका कितना स्टार देना चाहिए? यस, 5 में से मैं मूवी को दूंगी 5 से 5 स्टार. इनके तरफ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा काम कैसा लगा आपको? आपका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. अगर मूवी में हमें कहीं से एंटरटेनमेंट मिलता है तो वो सियाद नाम का ही करेक्टर है जिससे आपको मिलेगा. बिकॉज ऑफ सियाद हंसने का ये मैंने मिलेगा. थैंक यू सो मच. कल आप जरूर इस मूवी को देखें, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है. क्या कहना चाहेंगे, कितना स्टार देना चाहेंगे? स्टार, 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 स्टार,
सबसे बड़ी बात जो है फिल्म की जो कमाई होगी वो चैरिटी में जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप युवा हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे लोग फिल्म देखने? मैं यूथ के सभी लोगों से प्लीज़ 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 प्लीज इस मूवी को देखिए और लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है वो सीखिए। मुझे ये मूवी देख के इतना रियल फील हुआ कि दुनिया में ऐसे रिजवान जैसे लोग बहुत पैदा हो रहे हैं और बहुत तरक्की कर रही है पिक्चर और पब्लिक के लिए सीखने का है इसमें कि कैसे कैसे लोग दुनिया में पढ़े हुए हैं। जो मेरे बेटे ने उनका रोल किया हुआ है वो रियली उसके जीवन के ऊपर बराबर है, तो ऐसे इसमें अब बीच में ही ना एक मिनट होल्ड होल्ड बीच हो रहा है, कितनी खुशी आपको हो रही है? एकदम पूरा अंतर से सेटिस्फेक्शन हो गया मेरा, मेरे बेटे ने कुछ करके दिखाया। सर क्या कहना चाहेंगे, एक माँ बाप के लिए बहुत खुशी का पल होता है जब उनकी संतान उनकी औलाद जो है सक्सेस पे जाती हैं और शिखर पे पहुँचती हैं, तो आज आपके माँ बाप दोनों आपके बगल में खड़े हैं कितनी खुशी हो रही है? मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। तो ये तो ऑफकोर्स मेरी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ और आज मुझे ये रोल अदा करना मिला और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और बिकॉज ऑफ इन लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मुझे आज यहाँ ये मौका मिला है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत ही मस्त हो रही है मेरे बेटे आगे सक्सेस होने जा रहा है, ऐसा उनका सपना पूरा होगा मुझे ऐसा लगता है। पूरी दुनिया देखेगी, कितनी खुशी आपको हो रही है इस बात को? मेरी राखी ने रंग लाया ना, मेरी राखी इसकी हमेशा रक्षा करे और इसको हमेशा इतनी तरक्की दे। खुशी के आंसू आप माँ बेटी के आंखों में दिख रहे हैं, तो होंगे ही ना, बचपन के उसके होमवर्क भी कंप्लीट किए ही नहीं आंखों से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं कर रहा हूँ, कितनी खुशी आपको हो रही है, किस तरह का आपका रिजवान में रोल था? जाहिर सी बात है फिल्म लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इतने सालों के बाद काम करने के बाद मुख्य विलन का किरदार निभाने का अवसर मिला और इस शुभ अवसर पर मेरे मम्मी पापा भी इधर आए हुए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इतनी बेहतरीन सब्जेक्ट पर रिजवान जी की ज़िंदगी पर जो कहानी, एक्चुअली फिल्म में मैंने नेगेटिव किरदार निभाया है बट रियल लाइफ में मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो भी सुबह 3 बजे उठते हैं, मैं भी 4 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, सो कहीं ना कहीं मैं उनसे अपने आप अपनी लाइफ जो है वो भी एक छोटे गाँव से बिलोंग करते थे, मैं भी छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ, कहीं ना कहीं वो बड़े सपने लेकर बाहर चले गए, मैं भी बड़े सपने लेकर मुंबई आया हूँ। और तो रिजवान जी की ज़िंदगी से बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारी आपको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए कि ज़िंदगी में कोई भी टेंशन क्यों ना हो, कोई भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको डट के सामना करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर नेगेटिव घटना घटती है तो हमेशा वो अच्छे के लिए घटती है। सो ये संदेश रहती है और सबको स्पेशली जितने भी लोग हैं उनको अपने माता पिता बच्चों के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे मम्मी पापा इधर आए तो पापा से पूछ सकते हैं इनको फिल्म कैसी लगी। सर आपको फिल्म कैसी लगी? सबसे बड़ी बात बेटा आपका आपके बगल खड़ा है, हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा हमारा सक्सेस करे, तो कितनी खुशी आपको इस बात की हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि छोटे से गांव में पैदा हुए लेकिन आज पूरी दुनिया इनको बड़े पर्दे पे देख रही है, लोगों का सपना होता है कि बड़े पर्दे पे हम हमें कुछ मौका मिले। बड़े पर्दे पे
कहीं ना कहीं माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल भी होता है कि उनका बेटा ऊंचाइयों पे जाता है। कितनी खुशी आपको हो रही है बेटे को बड़े पर्दे पे देखने की? तो और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे अपने लाल को आप? अपने बेटे को और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? कैमरे के सामने बोल रही है, कुछ इंटरेस्टिंग सा पूछिए आप, फिल्म के बारे में पूछिए और कुछ भी बताएंगे। फिल्म में इनका किरदार आपको कैसा लगा, सबसे बड़ी बात ये है, आप बताइएगा, सही से बताइएगा। विलेन का किरदार इनको क्या मैं पसंद नहीं आया, फिल्म में मैं बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बताएंगे। और फिल्म कैसी लगी वो पूछिए, फिल्म कैसी लगी? रिजवान जी की जो भूमिका है, जो रियल लाइफ उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी की कहानी सुन के देख के आपको कैसा लगा? तो अगर अगली बार रिजवान 2 बनेगी और इनको रिजवान का किरदार निभाने को मौका मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा भाई, ये ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है अगर हरीश जी जो डायरेक्टर हैं वो सुन रहे हैं तो रिजवान 2 के लिए हो सकता है विक्रम जी की जगह चली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मूवी टू प्लीज कम एंड जॉइन मी ऑन माय सेट और मेहमान, यू आर मोर देन वेलकम। लेट्स रॉक इंडिया, यू गाइस डिजर्व द बेस्ट। मोर पावर टू यू रिजवान जी। और बहुत खूबसूरत पिक्चर, और इसी तरह आप सारे भारत को इंस्पायर करते रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मैम, जैसा कि फिल्म की जो कमाई है उसका 100% चैरिटी में जाएगा। हाँ। ये संदेश भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या अपील करना चाहेंगी भारतवासियों से आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म से जो भी कमाई जाती है रकम, उसे रिजवान जी चैरिटी में दे रहे हैं, तो हम सब इस चैरिटी का ऑनर करें और उनके दिखाए हुए रास्ते पे अमल करें। और मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय का आने वाला कल महफूज हो और रोशन हो। एक बहुत ही अनोखे तरह से फिल्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोग अपने फेसबुक पे रिजवान का पोस्टर डाल रहे हैं, लोगों से देखने की अपील कर रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि गुड लक टू यू, और वी नीड मोर रिजवान। एंड आई लाइक वन डायलॉग विच रियली रेजोनेटेड विद मी, जो इन्होंने कहा है कि इस देश का पैसा इस देश में ही रहना चाहिए, चाहे वो भारत हो या अफ्रीका हो। एंड दिस फिल्म एक्चुअली प्रमोट्स bond happy between India and Africa. More power to Indo-African relations, more power to Rizwan. On that note, namaskar. सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो किरदार है रिजवान का, रियल किरदार है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए लोगों से? सबसे पहले तो लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोगों ने पूरी मूवी देखी और अच्छा फीडबैक दिया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, और आज बहुत इमोशनल हूँ, बहुत खुश भी हूँ कि इतनी सारी लाइफ में चैलेंजेस, इतना सारे उतार चढ़ाव आए, तभी बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो उतार चढ़ाव को याद करते तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, खुशी फील हो रही है, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स लग रही है हमें। और बस अपील यही करूँगा लोगों को, मूवी देखो, उसमें से आपकी लाइफ में आपको एक क्या बोलते हैं जरिया मिलेगा कुछ अपनी लाइफ को चेंज करने का, आपको हिम्मत मिलेगी लड़ने की, और आपको जोश मिलेगा आपकी सारी चैलेंजेस में, आपको एक क्या बोलते हैं एक पॉजिटिव आपको हिम्मत मिलेगी कि आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस कल जाके ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद बन जाएगी। बिल्कुल, और इसी पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत ही चुनौतियों भरी ज़िंदगी जो रिजवान जी की थी, और उसको उतनी खूबसूरती से हमारे विक्रम ने दर्शाया है, पर्दे पे लाया है, तो बहुत खूबसूरत इन्होंने एक्टिंग की है पहली बार, और बहुत बहुत बधाई आपको। मोर पावर टू यू, आई एम श्योर यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड यू एक्चुअली पोर्ट्रेट रिजवान द वे ही इज, हम्बल, डाउन टू अर्थ, वेरी लविंग, वेरी काइंड। ये एक ऐसे इंसान है कि इनसे कुछ भी मांगो कुछ लोग जो फिल्म देख के बाहर निकले हैं उन्होंने डिमांड भी किया है कि ये फिल्म स्कूल में बच्चों को दिखाया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो है मनोबल बहुत ऊंचा होगा। और आजकल तो के बच्चों को ये इस तरह की फिल्में दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के भारत में बहुत फेमस डायलॉग है, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, इन दी अर्बन रिच दे ऑलवेज से ना डिप्रेस्ड, भाई किस लिए डिप्रेस्ड हो ये नहीं समझ में आता, बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू यू नो गो अप एंड फेस लाइफ एंड सिचुएशंस।
strength is something that this movie comes across and this movie gives, and that strength is what India needs, what the Gen X needs. और जो प्रधानमंत्री बात करते हैं उस यूथ की, उस पावरफुल यूथ की, उस पावरफुल यूथ को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. ऐसा मेरा भी सबको संदेश है और इनको नमन और अभिनंदन. सर, एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप इंटरनेशनल स्तर पे उद्योगपति हैं. अभी हाल में ही जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत में दौरा हुआ है, तो क्या लगता है भारत को इसका क्या लाभ मिलेगा? देखो, मेरा पॉलिटिकल इतना कुछ है नहीं, मेरा काम है सोशल है, सेवा किया है. सेवा के सिलसिले में आप जो भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा. ये सवाल आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट लीडर्स को पूछोगे तो आपको सही जवाब मिलेगा उनसे. बट हमने वो एंजॉय किया सब, देख टीवी में सबको. थैंक यू. कहीं ना कहीं फैन फॉलोअर्स आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी आपके मम्मी पापा को इस बात का हो रहा है कि एक अच्छे किरदार में उनका बेटा पहली बार प्लेटफॉर्म पे आया है. तो एक अंतिम बार क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से, ताकि कल से लोग सिनेमा घरों में पहुँचे और आपकी फिल्में देखें? भाई, आज हम लोगों का प्रीमियर था और हर किसी का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है. मैंने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ और फीडबैक सबके मिल रहे हैं, और जितनी भी तादाद में लोग आए थे हर एक ने फिल्म को बहुत ही सराहा है. और मैं चाहूँगा, आपसे अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ हम सब मिलके एक एक बार तो ये मूवी देख ही सकते हैं, और इतना तो हम अपने देश के लिए और गरीबों के लिए ये कर ही सकते हैं. इसलिए ये करना है क्योंकि इसका इसमें से जितने भी पैसे आएंगे वो पूरे के पूरे रिजवान अंडर के फाउंडेशन में जा रहे हैं, और जो 100% सीधा चैरिटी में ही जाएगा. इसमें से कोई भी बिजनेस नहीं होगा, इसमें से कोई भी किसी को फेमस करने के लिए ऐसा कोई भी मोटिव नहीं. इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार, एटलीस्ट एक बार ये मूवी देखें. आपके बगल में आपके डायरेक्टर हरीश जी खड़े हैं, कहीं ना कहीं इनकी मेहनत रंग लाई आज बड़े पर्दे पर रिजवान लोगों को देखने को मिल रहा है. हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो कैमरा, मुझे फिल्म देख के बहुत मज़ा आया. काफ़ी लोगों के रिएक्शन मुझे मिले, काफ़ी खुश हूँ. लोगों के बाहर भी रिएक्शन मिले, उनके बाद लोग बहुत अच्छी लग रही है. मुझे आशा है कि थिएटर में कल से लगी हुई वो लोगों को भी अच्छी लगी. सर, किरदार से अहम भूमिका एक डायरेक्टर की होती है, कहीं ना कहीं वो कैमरे के पीछे जरूर होता है, लेकिन फिल्म सजाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डायरेक्टर होता है. और जाहिर सी बात है, बहुत अच्छे ढंग से आपने निर्देशन किया है फिल्म का, और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है. लोग यहाँ तक स्कूल कॉलेज में फिल्म बच्चों को दिखाया जाए ऐसे डिमांड कर रहे हैं, लोग टैक्स फ्री होने की डिमांड कर रहे हैं. बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म है. एक लड़का जिस तरह से खाली हाथों में सामने का जाता है और जिस तरह ऊपर आता है, जिस तरह से संजोग का सामना करता है, मुश्किलें आई उनको हिम्मत से सामना करता है, और जिस तरह से वो आगे बढ़ता है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग फिल्म है. जो छोटी छोटी बात में वो हमारे से ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और काम क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? आप कल फिल्म पूरे भारत में रिलीज हो रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? बस ये फिल्म देखो और एंजॉय करो. रिजवान जी ने सबसे बड़ी बात कही है कि जो भी फिल्म से कमाई होगी वो 100% रिजवान अड़तिया फाउंडेशन में चैरिटी के लिए जाएगा. तो इस फिल्म के जो सारे जो खर्चे हुए वो भी पॉकेट से हुए, जो भी खर्चा जो भी इनकम होगी सारी फाउंडेशन जो नाते फाउंडेशन, इसके तीन ऑफिस हैं, कॉन्गो में भी ऑफिस है, मोजाम्बिक ऑफिस है, इंडिया में भी ऑफिस है, और उनके आज 70 से अधिक प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं. उसमें एजुकेशन है, उसमें ह्यूमन अपब्रिंगिंग है. तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बन पाएंगे. रिजवान 2 दर्शकों के बीच में कब आने वाली है? देखते हैं, पहले ये फिल्म रिलीज हो जाएगा, बाद में आगे सोचते हैं. और कुछ खास अपील आप करना चाहें तो कर सकते हैं दर्शकों से? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब जाके फिल्म देखें, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ फिल्म बहुत आप एंजॉय करें, बहुत बताएंगे. ये पूरा ड्रामा है, बहुत एंटरटेनमेंट भी है, और एक सेकंड भी आपका ध्यान जल्द नहीं है. धन्यवाद. थैंक यू सर. आपका नाम क्या है और कैसी लगी फिल्म रिजवान आपको? मेरा नाम भरत व्यास,
बहुत ही अच्छी लगी, जा रहा है बस पूरा कंसेप्ट मिल गया इसका मेन थिंग। मुझे तो वही लगा कि यू आर व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हो वैसे बन जाते हो, पूरा पॉजिटिव के पॉजिटिविटी पे बेस्ड है पूरा मूवी। और जैसे पहले जमाने में हुआ करती थी रसिदिया की मूवी, उस तरह की नाइस और डिसेंट मूवी है। कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार। फिल्म में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? बिल्कुल सबसे अच्छा मैसेज लगा, जो मैसेज पूरा कर रहा है। एक फिल्म ऐसी नहीं है जहाँ पे आप मिस कर सकते हो, उतना पूरा इमोशन मिल जाए। थैंक यू।